अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तीन तरह के स्क्रब, एक मुल्तानी मिट्टी से, कॉफ़ी से और पोटैटो से। तीन स्क्रब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही एक लाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट आपको देंगे। जिस जिसको जो जो प्रॉब्लम है वो उसके हिसाब से अपना स्क्रब चूज़ करें, जिसके पास जो चीज़ें अवेलेबल है वो लें और उसके बाद अपना स्क्रब रेडी करें। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए बेहतरीन किस्म के 3 मैजिकल स्क्रब रेडी करूँगी। फर्स्ट स्क्रब होगा जी मुल्तानी मिट्टी से। मुल्तानी मिट्टी से हम स्क्रब तैयार करेंगे, जिसके लिए लूँगी मैं 3 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। उसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, एलोवेरा बहुत ही हेल्पफुल होती है। उसके बाद मैं लूंगी 1 टेबलस्पून हनी। हनी जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इस तीनों प्रोडक्ट को मैं अच्छे से, तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आफ्टर मिक्सिंग मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून रोज वाटर। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यह आपके लिए बेहतरीन किस्म का फेस पैक है, आपके ब्लैक हेड्स के, वाइट हेड्स के लिए, आपकी एक्नी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपका यह मुल्तानी मिट्टी बॉडी स्क्रब भी रेडी है, फेस स्क्रब भी रेडी है। आप इसको बॉडी के लिए यूज़ करें या अपने फेस के लिए यूज़ करें। आपने इस तरीके से अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लेना है, जेंटली मसाज करना है और 20 मिनट्स के लिए आपने इसको छोड़ देना है और देन आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। बहुत ही इस स्क्रब से आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। वीक में 2 टाइम्स आप इस स्क्रब को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा जी हमारा कॉफ़ी पाउडर से हम स्क्रब रेडी करेंगे। कॉफ़ी जो है वो एंटी टैनिंग के लिए, आपके डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपके फेस पे कोई भी ज़्यादा निशान आ जाए, कोई एक्नी के मार्क्स हो जाएँ या आपकी स्किन डल अपेयर होना स्टार्ट हो जाए, कॉफ़ी उसके लिए बेहतरीन मास्क है। इसके लिए मैं लूँगी 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, 1 टेबलस्पून मैं लूँगी इसमें शुगर का। शुगर और कॉफ़ी दोनों का मिक्सचर तो bomb.com है। ये दोनों का मिक्सचर आपके लिए बेहतरीन किस्म का स्क्रब बनता है। उसमें उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून हनी का। हनी हमारा होता ही हमेशा हीरो इंग्रेडिएंट है। मुझे बेसिकली हनी बहुत पसंद है, बिकॉज ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। उसके बाद जी मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये 3 इंग्रेडिएंट लेने के बाद जब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा विस्कस सा इसका स्क्रब बनेगा, तो आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि ये आपके फेस पे जो है वो अच्छे तरीके से स्क्रब हो सके। उसके बाद मैं लूँगी जिसमें 2 टेबलस्पून मैं कर्ड यानी कि दही। दही जो है वो मैं कहती हूँ बहुत ही कोई कमाल का इंग्रेडिएंट है। इसमें दही और शहद दोनों कमाल के इंग्रेडिएंट हैं, जो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो लेके आएंगे, आपको लाइटनिंग और वाइटनिंग का काम देंगे। तो अच्छे तरीके से दही ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने इसको, इस स्क्रब को भी आप वीक में 2 टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। डेली बेसिस पर करना चाहें तो वेल एंड गुड, बट इसमें शुगर है तो हम इसको, अगर आप डेली बेसिस पे करें तो आप इसमें से शुगर स्किप कर देंगे, बट अगर आपने इसको वीकली करना है या वीक में 2 टाइम्स करना है तो आप यही इंग्रेडिएंट रख के अपना स्क्रब रेडी कर सकते हैं। या आपका बॉडी स्क्रब भी बन सकता है और आपका फेस स्क्रब भी। जेंटली आपने इसको अपने स्किन पे अप्लाई कर लेना है। अपने स्किन पे अप्लाई करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसका मसाज करना है और मसाज करने के बाद आपने इसको फिर छोड़ देना है। 15 मिनट्स के लिए आप इसको लगा रहने दें। ये बेहतरीन किस्म का वर्क करेगा। आपके फेस पे जो डलनेस आ चुकी हुई है, आपके फेस पे जो पुराने सेल्स हैं ये उसको ख़त्म करेगा और न्यू सेल जो है वो आपके फेस पे जनरेट होंगे। एंटी टैनिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जो गर्ल्स बेचारियाँ बाहर जाती हैं उनको टैनिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी स्किन रफ़ हो जाती है, ये बहुत सारी जिन्होंने क्रीम्स यूज़ की होती हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो कॉफ़ी जो है ये आपकी स्किन को एक रिलैक्सेशन पीरियड प्रोवाइड करता है, आपकी अंडर आइज़ के लिए कॉफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रब अपना तैयार करेंगे जी, वो होगा जी पोटैटो स्क्रब। ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। पोटैटो बेसिकली आपकी डार्क स्पॉट्स को, आपकी स्किन लाइटनिंग में इसका काम करता है। जो पोटैटो एक बेसिक हमारा इंग्रेडिएंट है, ये पोटैटो स्क्रब आपके डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपकी मतलब आपके फेस पे जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है, डलनेस आ जाती है, आपकी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इस बेसिकली मेन पोटैटो स्क्रब से। आपके बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इस स्क्रब से हल हो जाएंगे। मैंने आपको 3 स्क्रब बनाना सिखाए हैं, मेरा ये 3रा स्क्रब है। ये भी बहुत ही आसान और हमारे घर के ही इंग्रेडिएंट है जिससे मिलकर तैयार हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने पोटैटो लेना है, उसको अच्छे से आपने पील ऑफ कर लेना है। जब आप उसको पील ऑफ कर लें फिर उसके बाद आपने इसको ग्रेट कर लेना है।
एक बात याद रखिएगा, पोटैटो जूस जो है अगर आप किसी और भी इंग्रेडिएंट में इसको ना ऐड करें, सिंपली अपने फेस पे अप्लाई कर लें, तब भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपने पोटैटो को जो है वो अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है, ग्रेट कर लेना है, क्रश करके आपने इसका जूस निकाल लेना है। बेहतरीन किस्म का आपका ये स्क्रब रेडी होगा। बहुत महंगे महंगे स्क्रब के मुकाबले में ये आपको बेहतरीन किस्म का काम देगा। बेस्टेस्ट स्क्रब्स हैं जो मैंने आज आपको तीन बताए हैं, जो आपके लिए करना आसान है, जो आपके लिए इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, आप उसमें से वो स्क्रब चूज़ करें और अपना काम चलाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हर वक्त बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तीन स्क्रब बताए हैं, तीनों में से जो दिल करता है वो चूज़ करें और अपने स्किन पे अप्लाई करें। अच्छे से आपने अपने पोटैटो को जो है वो जब क्रश कर लेना है, तो आफ्टर क्रशिंग आपने किसी मलमल के कपड़े में इसको रख के या किसी स्टेनर में रख के आपने इसका जूस जो है वो निकाल लेना है। इसका जूस जब आप निकाल लेंगे, उसके बाद आप इसमें पोटैटो का जूस ऐड करेंगे। आप पोटैटो लेंगे, आपने ख्याल रखना है कि आपके पास फ्रिज का जो पड़ा हुआ होता है ना, फ्रिज में जो फ्रेश पोटैटो होता है, मतलब ज़्यादा दिनों का नहीं, एक दो दिन ही हुए हों, उस पोटैटो को आपने लेना है और उसका भी इस तरीके से ही क्रश करके ग्रेट करके आपने उसका जूस निकाल लेना है। आप YouTube पर सर्च करें तो पोटैटो की तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, टोमेटो के भी ऑब्वियसली। टोमेटो और पोटैटो दोनों ही आपके फेशियल्स में, होममेड फेशियल्स में जो है वो बहुत इन है। मेरी वीडियो में मैंने अपनी YouTube चैनल पे स्पेशली पोटैटो से एक फेशियल करना सिखाया है, आप जाएं वो भी देखें, बहुत बेहतरीन किस्म का वो फेशियल है। बट स्पेशली टोमेटो फेशियल भी जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो कि आपको बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। एक्चुअली टोमेटो में जो है एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी रखता है टोमेटो अपने अंदर, जो कि आपकी स्किन को बहुत हद तक उसकी प्रॉब्लम्स को हल कर देता है, आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशंस को रिड्यूस करने का काम करता है। जब आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशंस रिड्यूस हो जाएंगी तो आपकी स्किन फ्लॉलेस दिखाई देगी। ग्रेट करने के बाद आपने दोनों को इस तरीके से स्ट्रेनर से इसके जूस को स्क्वीज कर लेना है और इसका जूस जो है वो एक किसी भी कटोरी में आपने निकाल लेना है। आप कॉटन पैड से इसका जूस अपने पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको स्क्रब में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने राइस फ्लोर लेना है, उसका एक चम्मच आपने लेना है राइस फ्लोर का, आपने इसमें ऐड करना है चावल जो है वो जैपनीज का बेसिकली सीक्रेट होता है। जैपनीज जो हैं वो अपनी स्किन पे जो है वो चावल का जो क्रीम है, चावलों का आटा है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका बेसिकली राज ही यही है। उसके बाद आपने जी एक टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड करना है, बेसन आपकी स्किन को टाइटनिंग प्रोवाइड करता है। टोमेटो और बेसन ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपको टाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं, आपके फेस को लिफ्ट अप करते हैं, आपके फेस में जो फाइन लाइंस और रिंकल्स आ गई होती हैं बेहद तक उनको कम कर देते हैं। उसके बाद आपने इसमें 1/4 टेबलस्पून जो है वो टर्मरिक लेनी है। जितने भी आप होममेड स्क्रब या मास्क देखेंगे तो उसमें आपको टर्मरिक ज़रूर मिलेगी, बिकॉज टर्मरिक बेसिकली बात ये है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करती हैं। सो मेक श्योर आपके जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं ये ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो, ऑर्गेनिक हो, तो ही सारे काम करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इस सारे प्रोसेस को मिक्सिंग वेल होनी चाहिए। जब मिक्सिंग वेल नहीं होगी तो आपका काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो रोज़ वाटर ऐड करना है, बिकॉज अगर आप रोज़ वाटर इसमें ऐड नहीं करेंगे तो आपको हाइड्रेशन नहीं मिलेगी। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, आप बहुत ज़्यादा पानी पिया करें, वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा पिया करें, विटामिन सी लिया करें, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखा करें। ये हो गया जी हमारा पोटैटो एंड टोमेटो बॉडी स्क्रब रेडी। ये एक हमारा बेहतरीन फेस स्क्रब भी है और बॉडी स्क्रब भी है। आप चाहें तो इसको फेस पर अप्लाई करें, आप चाहें तो इसको बॉडी पर अप्लाई करें। बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्क्रब्स होते हैं जो सिर्फ बॉडी के लिए होते हैं, आप उसको फेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट इसको आप फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरीके से जेंटली अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेना है और 2 से 3 मिनट इसका भी उसी तरीके से आपने मसाज करना है। मसाज ख्याल रखिएगा, बहुत ही आपने मतलब जेंटली करना है। जब उसके बाद आपने इसको वार्म वाटर से वॉश आउट कर देना है। इस तरह के सारे जो मास्क होते हैं, स्क्रब्स होते हैं होममेड, आप उनको लाजमी इस्तेमाल किया करें। मार्केट वाले महंगे महंगे स्क्रब्स हैं तो बहुत बेहतरीन होते हैं। थोड़ी सी जूसेस को निकाल के आप रख लें, 2 हफ्ते के लिए आप निकाल के रख सकते हैं ऐसी चीज़ों को। बाकी आपने फटाफट से बाकी चीज़ें ऐड की, स्क्रब बनाया और अपने फेस पे लगा लिया। ये था जी मेरा आज का रिव्यू, मेरी आज की वीडियो। होप सो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। 3 तरह के स्क्रब मैंने आज आपको बनाना बेसिकली सिखाए हैं। तीनों के तीनों मास्क जो हैं ये आपको लाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट देंगे, आपकी स्किन को लिफ्ट अप करेंगे और आपकी स्किन में बहुत सी होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़।